हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुलाब की है और आज जो मैंने आपके सामने जैसा दिख रहा होगा इसमें बहुत कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आप लोग खुद समझ गए होंगे कि ये जो है मैंने कुछ गुलाब मंगाए हैं और ये पौधे जो है एसके शाहजहाँ जी के यहाँ से आए हैं जो दुर्गापुर के हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दुर्गापुर रोज गार्डन करके, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दुर्गापुर रोज़ गार्डन करके आया है। तो आप लोग भी अगर चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूँगा। मुझे जहाँ तक पता है कि ये नंबर आई थिंक उन्हीं का है या नहीं है ये नहीं मालूम है, लेकिन कहाँ से किस नंबर से आपको ऑर्डर करना है वो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और स्क्रीन पे भी आपके शो हो रहा होगा कि कहाँ से आपको पौधे ऑर्डर करने हैं। ये मैं कोई ऐसा नहीं है, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी अगर चाहें तो पौधे ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहेगी कि सर पौधे कहाँ से मंगाए जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए पौधे की अनबॉक्सिंग करते हैं। और अभी अभी मुझे ये 20 मिनट पहले पार्सल मिला है और मैं अब इसको अनबॉक्स करूँगा और अनबॉक्स करने के बाद इसको करना क्या है, कैसे इसको प्रोसेस करना है, कैसे इसको लगाना है। अगर आप मिट्टी में चाहते हैं तो मिट्टी में भी लगा सकते हैं, सिंडर में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जितने पौधे हैं ये मैं सिंडर में ही लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास जो है मिट्टी रेडी नहीं है या मिट्टी मेरे पास बहुत कम है, तो इस वजह से मैं सिंडर में ही इसे लगाऊंगा। तो क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे रहेगा, ये आने वाले वीडियोस में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। और फिलहाल के लिए पहले पौधों को अनबॉक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेरे इतने रोज़ आए हुए हैं। अब इनको मैंने सबका आपको आईडी मैंने दिखा दिया है, एक दो की आईडी मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि वो टैग जो है इस पॉलीथीन में पैक हो गई है। तो अभी जब मैं सारा ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद जो है जैसे इनकी सॉइल में निकालूँगा और पौधे को लगा दूंगा, तो इस वीडियो में चाहे नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे आइडियाज़ दिखा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसी प्रॉब्लम में रह जाएंगे और उन्हें लगेगा उनके साथ चीट हुआ है कि मैंने आईडी नहीं डिस्क्लोज़ की। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सारी आइडियाज़ आपको दिखा दिया, 98% दिखा दिया, सिर्फ एक या दो प्लांट की आईडी नहीं दिखा पाया हूँ। तो फ्रेंड, हमें इसके बाद क्या करना है, हमें सिंपली पौधे की जैसे ये पॉलीथीन लगी है, मैंने पहले इसकी पैकिंग हटाई, पैकिंग आपको भी ऐसे हटानी है और उसके बाद से आपको इसकी जितनी भी नीचे की सॉयल के साथ जो पौधा लगा हुआ है पॉलीथीन्स हैं इनको निकालना है और एज इट इज़ बिना हाथ से तोड़े कुछ किए हुए ये बकेट ऑफ वाटर, जैसे मैंने एक बाल्टी ये पानी देखिए कहाँ तक मैंने भरा है, पूरा भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पूरा पौधा एक बार डिप हो जाए, अगर कहीं कोई प्लांट पानी की वजह से श्रिंक में है तो वो पानी जो है उतना कंज्यूम कर ले, खींच ले, ताकि वो पौधा एकदम से जो है ग्रीनरी उसकी मेनटेन हो जाए। तो आपको बस ऐसे खोल करके पानी में डालते जाना है और इसे कम से कम आधे घंटे से लेकर एक घंटे तक ऐसे ही क्लीन
वाटर में ऐसे पड़े रहने देना है। इससे दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि आपकी मिट्टी जितनी भी है वो रिमूव हो जाएगी, जो भी इसके साथ मिट्टी लग के आई है, अगर उसमें फंगस है, बैक्टीरिया है, वो सारा रिमूव हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो एक घंटे के बाद वो इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि आप प्लांट को थोड़ा सा ऐसे हिलाएंगे पानी में तो वो तुरंत जो है मिट्टी को छोड़ देगा। तो पहला काम तो ये हो जाएगा। दूसरी काम है कि आपका प्लांट जो है जितने पानी की उसकी कमी थी दो चार दिन पाँच दिन, चूँकि मुझे ये पार्सल सिर्फ 3 दिन में मिल गया है, भेजा गया 6 तारीख को। यहाँ देखिए बुकिंग जो है यहाँ पे 6 तारीख की है, यहाँ देखिए 6 दिसंबर को है और आज 8 तारीख है। ये मुझे 8 तारीख को ये पौधा मुझे मिल गया है। तो आप लोग को भी हो सके 4 दिन 5 दिन या 6 दिन में मिले, तो मुझे बहुत ज़्यादा देर तक रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आधे घंटे ही रखूँगा, क्योंकि आप पौधे की कंडीशन देख के ये जान सकते हैं कि पौधा बहुत टाइम से पानी की इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आपको पानी में रखना है और आधे घंटे 1 घंटे के बाद पौधे को निकाल करके क्लीन वाटर में ऐसे ही पानी फिर भरना है आपको, और पानी भरने के बाद उसमें फंगीसाइड डालना है। जितने लीटर पानी रहेगा उतने ग्राम फंगीसाइड, और जितने लीटर पानी रहेगा उतने ml या उतने ग्राम आपके पास ह्यूमिक एसिड है तो ह्यूमिक एसिड, ये दोनों को घोल करके पौधे को फिर से डिप कर देना है आधे से 1 घंटे के लिए। जैसा आपके यहाँ पे कंडीशन है उस हिसाब से, अगर बहुत ठंडी है तो आधे घंटे, या थोड़ा सा अभी अगर नेचर थोड़ा गर्म है या दोपहर को आपको प्लांट मिले तो 1 घंटे के लिए आपको डिप करना है। इससे आपके पौधे में कोई भी फंगल इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार की बीमारी होगी तो वो ट्रीट हो जाएगी, जो रूट डैमेज हुई है उनको हीलिंग मिल जाएगी, जो ह्यूमिक एसिड है वो आपके रूट्स को हील करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद आप जिस भी मीडिया में चाहें, चाहे आप सॉइल में चाहते हैं, मिट्टी में चाहते हैं, सैंड में चाहते हैं, कोकोपीट में चाहते हैं, किसी भी प्रकार के मीडिया में आप लगाना चाहते हैं, अपने पौधे को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि प्लांट के बारे में अगर बात की जाए तो ओवरऑल मैं जो इसमें ग्रेड दूंगा 10 out of 10 दूंगा, क्योंकि पैकिंग जो थी बहुत ही औसम थी और काफ़ी अच्छे से आप प्लांट की हेल्थ देख पा रहे हैं कि काफ़ी अच्छे से हर चीज़ जो है पेटल्स तक जो है अभी डैमेज नहीं हुई हैं। आपको मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखाऊँ कि ये चीज़ ओवरऑल प्लांट की हेल्थ भी बहुत अच्छी है। जो प्लांट उन्होंने सेलेक्ट करके भेजे हैं वो काफ़ी बेहतरीन है, और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन परचेज करने का मन बना रहे हैं तो आप एक बार एसके साजन जी से संपर्क कर सकते हैं, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं स्क्रीन पे एक बार और दे दे रहा हूँ, आप उनसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैसेंजर पे भी मैं उनका देखिए स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो फेसबुक पे मैसेंजर पे जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, उनसे रोज़ेस परचेज कर सकते हैं। और प्राइस तक की जहाँ तक की बात की जाए फ्रेंड्स, तो रियलिटी ये है कि मुझे अभी तक खुद भी प्राइस का लिस्ट नहीं मिल पाया है कि कितने का प्लांट है, क्योंकि ये पार्सल मैं कई 2-3 बार मंगा चुका हूँ, तो इस वजह से ट्रस्ट की वजह से उन्होंने जो है मुझे ये प्लांट भेज दिया है, लेकिन अभी तक मेरे पास बिल नहीं आया है कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। जैसे ही मेरे पास बिल आता है, मैं इस वीडियो के हो सके आज मुझे बिल मिल भी जाए, तो अगर जैसे भी मिलता है मैं आपको स्क्रीन पे वीडियो के एंड तक मैं जो है इसका बिल भी लगा दूंगा ताकि आप लोगों को सहूलियत हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए, इसके बाद जैसे क्या क्या प्रोसेस करने हैं, प्लांट कैसे लगाना है, वो मैं इस वीडियो के साथ ही। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी 1 घंटे हो चुके हैं, अब इन पौधों को मैं निकालूंगा और सबसे पहले इनकी पत्तियों को रिमूव करूंगा। रिमूव वगैरह करने के बाद मैं इन्हें फंगीसाइड वाले सॉल्यूशन में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए सभी पत्तियों को रिमूव कर देते हैं, उसके बाद फंगीसाइड में इन्हें डिप करते हैं। Thank you.
तो फ्रेंड्स अभी जो है ये आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, मैंने इसे फंगिसाइड और ह्यूमिक एसिड वाले वाटर में इसको डिप किया था। अब हम इसको जो है लगाएंगे। इसके लिए हमने फ्रेंड्स ये देखिए 5 इंच का जो गमला होता है, मैं आपको थोड़ा सा और नज़दीक करके दिखाऊं। ये देखिए 5 इंच का जो गमला होता है, 5 से 6 इंच का, ये मैंने सेलेक्ट किया है और इसके नीचे जो होल्स होते हैं इसको मैंने खोल लिया है, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है जब भी आप नया पॉट लेते हैं तो ये जो होल्स होते हैं ये कवर होते हैं, तो इनको जो है आप किसी भी टूल की सहायता से या जो कटर होता है उसकी सहायता से इसको ओपन कर लीजिएगा, तभी प्लांट लगाएगा। क्योंकि अगर बिना खोले आप लगा देंगे और सोचेंगे थोड़ा थोड़ा होल तो है, काम चल जाएगा, तो बाद में वही रूट रोटेन की समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो ये 5 इंच का पॉट आपको लेना है। जब भी आप नए पौधे को लगाइए, जो मैंने साइज आपको अपने पौधे का दिखाया था, तो हमेशा 5 इंच के पॉट में रखिए। बहुत सारे लोग पॉट सिलेक्शन में ही गलती करते हैं और बहुत बड़ा पॉट 10 इंच 12 इंच का पॉट ले लेते हैं, जिससे कि उनको बाद में प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता और बाद में कहते हैं कि पौधा हमारा ख़राब हो गया या जो जिन्होंने भेजा था वही पौधा ख़राब है। तो अपनी भी गलती इसमें रहती है, तो हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है फ्रेंड्स। तो ये रहा, और बाकी ये जो मेरा सिंडर है ये ओल्ड सिंडर ही है जो मैं रीयूज़ कर रहा हूँ। इसको मैंने एक बार वॉश कर लिया है क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे रूट्स भी थे, इनको साफ़ किया मैंने और अलग से पहले फिर वॉश किया है, एक बार क्लीन वाटर से वॉश किया है, उसके बाद फंगिसाइड वाले वाटर से मैंने एक बार क्लीन कर लिया है, मतलब उससे छान लिया है ताकि इसमें जो है किसी प्रकार का बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन ना हो। दूसरी चीज़ है कि जो ये देख रहे हैं आप बड़े साइज़ का सिंडर, ये जो मैंने इन्हीं सिंडर से निकाला है जो बड़े साइज़ का हो गया है, तो इसको मैं पॉट के नीचे रखूँगा और जिससे हमारी पोरोसिटी अच्छी रहे। तो ये जो है, क्योंकि छोटा सिंडर जो है अगर हम यूज करेंगे, ये 2 से 4 इंच का है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कितना सिंडर होना चाहिए, तो जो छोटा सिंडर, जो छोटा प्लांट होता है जब नया पौधा हम लगाते हैं 5 इंच के पॉट में, तो उसके लिए जो बेस्ट साइज़ होता है सिंडर का वो 2 से 5 इंच होता है। इसमें 2 से 6 इंच 7 इंच तक के भी इसमें टुकड़े मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ओवरऑल मिक्सचर है, लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि 2 से 4 इंच का ही आप सिंडर यूज करें। और स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा है राज मोहंती जी सर का है, ये सेंडर के बहुत अच्छे डीलर हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट बात करके आप बताएंगे कि कौन सा साइज़ आपको चाहिए, ये सीडलिंग के लिए चाहिए, गुलाब के लिए चाहिए, जिस तरह का आपको सेंडर चाहिए यहाँ पे अवेलेबल है। वॉश्ड सिंडर या अनवॉश्ड सिंडर, जैसा भी आप चाहेंगे आपके मन मुताबिक सिंडर यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। होम डिलीवरी है, जो भी अवेलेबल चार्जेस होते हैं वो आपको मोहंती जी बता देंगे। तो आपको अगर सिंडर ख़रीदना है तो आप सिंडर यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट भी लिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट मैं लेके आया हूँ। ये जो है फ्रेंड्स वर्मी कंपोस्ट भी लेके आया हूँ, और जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट अच्छा नहीं मिल पाता है, लेकिन ये जो है मैं डायरेक्ट सेंटर से लेके आया हूँ, तो ये अगर आपके पास है तभी यूज करिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वर्मी कंपोस्ट, आप कोर सिंडर में भी अपना पौधा लगा सकते हैं। तो मैं आपको एक बार पौधा लगा के दिखाता हूँ कैसे इसको लगाना है। सबसे पहले बड़े बड़े जो पीसेस हैं उनको रख देना है, और बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, बस ऐसा करना है कि जो होल्स हैं वो अच्छे से कवर हो जाएं, जो कि होल्स साइड में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो अच्छे से हल्के हल्के कवर हो जाएं, ताकि जो है आपका जो बारीक सिंडर है, अब आप देख रहे हैं पूरी तरह से कवर हो चुका है। अब जो आपका बारीक सिंडर है उसको आपको इसमें डालते जाना है। तो आप देख रहे हैं ऐसे आपको इसको फिल करना है, और थोड़ा सा फिल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं कि पूरा भर दिया तब आप पौधा लगा रहे हैं। इसको हाफ़ फिल करके आपको लगाना है, और हमेशा ध्यान देना है फ्रेंड्स, जब भी नया पौधा आप लगा रहे हैं तो अपने सिंडर को, अपने प्लांट को ऊपर ही रखिए, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं दबाना है, नहीं तो रूट रोटेन की समस्या बहुत ज़्यादा आएगी आपको। तो जो सबसे पहले आपको प्लांट निकालना है ईजिली, और ये बहुत अच्छे से फंगिसाइड वाटर को जो है एब्जॉर्ब कर चुका है, तो मैं जो है सबसे पहले ये प्लांट निकालूंगा। कोई भी एक प्लांट हम निकालेंगे जो सावधानी से निकल जाए, और उसको जो है लगाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है एक प्लांट इसको निकाला, और इसको जो है अब लगाने का जो तरीका, जैसे मैंने ये सारा चीज़ किया हुआ है रूट ट्रीटमेंट वगैरह, अब इसको जो है पहले इसके टैग्स को ऊपर करेंगे,
और बहुत ही सावधानी के साथ पौधे को लगाएंगे, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं। अभी देखिए फ्रीडम इसका नाम है, देखिए फ्रीडम, और इसको लगाने का बस यही है कि इसकी रूट्स को थोड़ा सा आप ओपन कर लेंगे हल्का सा, और ऐसा नहीं कि इकट्ठे ही आपको लगा देना है, बस इसको ऐसे रखना है और सेंटर में रख करके, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, जब आप बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे तब आप इसको ज़्यादा ध्यान देंगे, और कोशिश करिए थोड़ा ऊपर ही हो, बहुत ज़्यादा नीचे अगर आप लगा देंगे तो आपका जो है पौधा वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि थोड़ी सी भी वाटर ज़्यादा होगी तो आपका पौधा जो है हो सकता है कि आपके पौधे में रूट रॉटेड की समस्या आ जाए। तो अब बस इसमें सिंडर को फिल कर देना है, और हल्का सा सिंडर फिल करने के बाद जो है आपको थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट भी इसमें स्प्रिंकल कर देना है। जैसे मैंने स्प्रिंकल ये लिया और थोड़ा सा मैंने वर्मी कंपोस्ट स्प्रिंकल कर दिया, तो ये जो है इतना वर्मी कंपोस्ट इसमें पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा वर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हम लोग जब पूरा सिंडर फिल कर लेंगे तो हल्का सा ऊपर से एक बार और जो है स्प्रिंकल कर देंगे इसमें। तो देखिए हम लोग जो है थोड़ा सा और वर्मी एकदम से थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे ताकि जब पानी दें तो ये अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे जो है पौधे को, एक एक पौधे को ऐसे लगा करके हम साइड में रखते चले जाएंगे। अब आप देखिए ये पौधा पूरी तरह से लग गया है, मैं थोड़ा ऊपर करके दिखा दूँ आपको, ये देखिए। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हम सभी पौधों को लगा देंगे, एक बार मैं सभी पौधों को लगा लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने सभी प्लांट्स को लगा दिया, ये टोटल 15 प्लांट थे। तो अब इसमें क्या करना है, जो मैंने फंगीसाइड वाला वाटर जिसमें मैंने इसे डिप करके रखा था उसी से इसकी वाटरिंग पहली बार कर देनी है। वाटरिंग करने के बाद हम लोग जो है कल, जैसे आज मैंने इसको लगाया, कल हमें इसमें क्या करना है, न्यूरोबियन फोर्ट जो है, जो एक टेबलेट है जो राहुल सर ने कई बार सजेस्ट भी किया है अपने चैनल पे, राहुल एंड रोज़ेस पे, तो वो न्यूरोबियन फोर्ट भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आज अगर पौधा लगाया तो आज आप एक गोली उसको थोड़े से कटोरी में पानी में या किसी में या एक मग पानी में उसको डिप करके रख दीजिए रात भर के लिए। रात भर में वो पूरी तरह डाइल्यूट हो जाएगी, और उसके बाद सुबह जो है 10 लीटर पानी में उसको मिला करके सभी पौधों को जो है 300-400 ml जितना इसको रिक्वायर्ड होता है पानी, वो मिक्सचर, वो सोल्यूशन, वो उस सभी पौधों को दे देना है। उससे आपका प्लांट जो है बहुत फुली प्रोटेक्टेड हो जाएगा और उनको जो है इंटरनली बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, प्लांट सर्वाइव करेगा, मरेगा नहीं। तो ये काम आपको करना है। जैसे जैसे अभी आज इस लोग प्लांट को मैंने लगा दिया है तो ये न्यूरोबियन फोर्ट जो है आज शाम को ही आपको पानी में डिप करके रख देना है। जैसे कि ये न्यूरोबियन फोर्ट आप देख रहे हैं, और ये मैंने अभी टेबलेट रिसेंटली यूज की थी, तो ये दवाई आपको जो है बस आपको 10 लीटर पानी की ज़रूरत है तो उसमें एक गोली आपको लगानी है, अगर 20 लीटर पानी की ज़रूरत है तो दो गोली आपको डालनी है। तो मुझे एक्चुअली मेरे और भी प्लांट्स हैं, मुझे उनमें भी डालना है, तो मैं दो टेबलेट जो है ये पानी, मेरा एक कटोरी मैंने पानी लिया हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें मैं दो टेबलेट डाल दूंगा और ये सुबह तक जो है पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा और पूरा पानी जो है येलो कलर में हो जाएगा। तो ये दो टेबलेट मैं रख दूंगा, और बाकी जब भी आप नए प्लांट लगाइए या महीने में एक बार न्यूरोबियन फोर्ट ज़रूर अपने पौधों में डाल दीजिए। तो ये आपको रात भर के लिए भिगो देना है न्यूरोबियन फोर्ट को, और सुबह जो है इसको अपने पौधे में 10 लीटर या 20 लीटर पानी में, जैसे मेरे पास दो टेबलेट है तो मैं 20 लीटर पानी में इसको घोल करके अपने सभी पौधों को दे दूंगा। तो सवेरे कैसे देना है 24 आवर्स, जैसा कि ये प्लांट लगाए हुए मुझे 24 घंटे हो गए हैं, और अभी हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि न्यूरोबियन फोर्ट जो है ये मेडिसिन आपको रात भर के लिए रखनी है, और देख पा रहे हैं ये पूरा पानी येलो हो गया है।
है अपने मेडिसिन जो है न्यूरोबियन फोर्ट। अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको ये देखिए मैंने धूप में भी रख दिया है। आप लोगों को बहुत सारे लोगों के ये डाउट रहते हैं कि प्लांट लगाने के बाद सर धूप में रखना है या नहीं रखना है। यह आज नौ तारीख है, 9 दिसंबर का टाइम है और 9 दिसंबर में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि आपको अगर धूप में भी बैठने को मिले तो आपको लगेगा नहीं कि आपको गर्मी लग रही है। तो आप ईज़िली अपने प्लांट को जो है धूप में रखिए, और ऐसा नहीं है कि आज लगाया और तुरंत जो है इसको 10 दिन के लिए ऐसे शेड में रख दिया, तो उससे आपके प्रॉब्लम पौधों में प्रॉब्लम क्या आएगी फ्रेंड्स कि तुरंत डाईबैक शुरू हो जाएगा या पौधे अपना मॉइस्चर जो है बहुत ज़्यादा होल्ड करने की वजह से रूट में सड़न शुरू हो जाएगी, तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी या पौधा आपका। तो ये रही बात फ्रेंड्स, और 10 दिन के बाद इसकी क्या अपडेट आती है मैं वही जो भी चीज़ मैंने आपको अभी तक बताई कि आप एक एक स्टेप फॉलो करिएगा, आपको रिजल्ट मिलने तय हैं। और कहीं पे भी ब्रांच में ब्लैक इस होता है तो फंगीसाइड का एप्लीकेशन मैंने बताया है इसकी पहली भी वीडियो में कि डाईबैक को किस तरह से रोका जाए, वो भी आप देखिए। और चैनल पे अगर आप पहली बार ये मेरा चैनल देख रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब भी न्यू वीडियो मैं डालता हूँ तो बहुत सारे लोगों की कंप्लेन रहती है कि वीडियो मिल ही नहीं रहा है सर, आप वीडियो बनाना छोड़ दिए हैं क्या। तो ये थोड़ी सी आपकी लापरवाही है कि आपने बेल बटन दबाया नहीं है, आप उसको दबा लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को स्टार्ट टू एंड जो है सब चीज़ समझ में आ गई होंगी। और हाँ, मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि मैं बिल इसके साथ अटैच करूँगा वैरायटी के नाम के साथ, मुझे कितना टोटल चार्ज पड़ा, तो मैं वीडियो ख़त्म होते ही मैं उसको लगा दूंगा, आप उसको इत्मीनान से देख लीजिएगा कितना प्राइस है। और नंबर मैंने डिस्क्लोज़ कर दिया है, सिंडर कहाँ से मैंने मंगाया था सिंडर के लिए भी मैंने नंबर डिस्क्लोज़ किया है राजमोहंती जी से, प्लांट से एस के शाहजहाँ सर से मंगाया था, तो आप सभी चीज़ों पे मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट आपके रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं देखूंगा आपके कमेंट्स, अगर कुछ ऐसे रहे जो बताने बहुत ज़रूरी हैं या बहुत ही आपके वाजिब क्वेश्चन हैं तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।